कौन सा इंपॉर्टेंट डेज कब मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट डेज में सिर्फ और सिर्फ डेट और मंथ पूछा जाता है। डेट हमेशा पहले होती है और मंथ बाद में होती है। क्लियर? एज यूजुअल जैसे आप लोग पढ़ते हो, या तो एक डिजिट में होगी या तो फिर दो डिजिट में होगी। क्लियर? और ये पहले डेट होती है और बाद में मंथ होती है। और मैं बताता हूँ कि मंथ ऑलवेज एक ही डिजिट में होगी। आप बोलोगे सर दसवां महीना, ग्यारहवां और बारहवां महीने तो दो दो डिजिट का है, तो वो कैसे होगी? जनवरी को भी छोड़ देना, जनवरी को मैंने लास्ट बताऊंगा। दो मतलब दूसरा महीना एज यूजुअल राइट साइड में, तीसरी आई तीसरा महीने होगी, चार आई तो चौथे महीने, पांच आई तो पांच महीने, छठे महीने, सातवें महीने, आठवें महीने, नौवें महीने, सो सिंपल। लेकिन मैंने बोला क्या कि मंथ हमेशा एक ही डिजिट में आएगी, लेकिन यहाँ तीन ऐसे महीने हो गए ना जो दो डिजिट में आ गई। क्या कैसे करना? देखो जीरो आएगा ना तो दसवां महीना, और एक आएगा तो पहला महीना नहीं, पहला महीना छोड़ दो, मैं अभी बाद बताऊंगा उसको क्लास के। और कुछ नहीं रहे ना तो दिसंबर बारहवां महीना। जैसे एग्जांपल्स, मान लो कहीं पे कोई डेट, कहीं पे कुछ कोई डेट आ गया 196, कहीं पे आया 196, तो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 के पहले एक लाइन खींच देना, लाइन के राइट साइड वाली आपकी मंथ हो गई और इधर जो बची ना वो आपकी डेट हो गई। मान लो कि सिर्फ 9 रहती और आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है तो दिसंबर हो जाती है। ठीक है, ये जो आपकी क्वेश्चन सॉल्व होगी वो 1 जनवरी से लेकर 9 दिसंबर तक, 9 दिसंबर तक, 10 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, तीन चार इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है।